हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो यार आज बात करेंगे मेरे सीक्रेट्स ऑफ सिनौली वाले वीडियो को लेकर जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है ऑडियंस में। यहाँ पर काफ़ी लोगों ने डिसलाइक किया और बहुत सारे लोगों ने लाइक भी किया, यानी कि आई वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे उतनी लाइक मिलेगी और उतनी डिसलाइक भी मिलेगी। मतलब मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इस पर्टिकुलर वीडियो को लेकर, लेकिन उस वीडियो के जो थंबनेल है उस पर भी काफ़ी लोगों ने अपना ऑब्जेक्शन जताया। तो अबे अकल के अंधो, मैंने उस वीडियो में दो डॉक्यूमेंट्रीज का रिव्यू किया है, क्राइम सीन द वैनिशिंग एट द सीसेल होटल जो कि एक अमेरिकन डॉक्यूमेंट्री है, और दूसरी सीक्रेट्स ऑफ सिनौली जो कि हमारी इंडियन डॉक्यूमेंट्री है। और उन दोनों को देखने के लिए मेरी लाइफ के मैंने 5 घंटे दिए हैं। तो मैंने टाइम वेस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि क्राइम सीन द वैनिशिंग एट द सीसेल होटल 4 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है, और उन 4 घंटे में उन लोगों ने जो जो चीज़ें बताई है उसमें से मैक्सिमम पोर्शन मुझे, क्या जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, जो लोग एलिजा लैम के केस से ज़रा थोड़ा बहुत नॉलेज रखते तो उनको पता ही था। तो वहाँ पर 4 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनाने का कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर उस डॉक्यूमेंट्री को वो लोग 2 घंटे की बनाते ना तो वो वर्थ वॉच होता। तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि यार मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया, मेरी ऑडियंस का टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए मैंने थंबनेल में टाइम वेस्ट लिखा है। और इस थंबनेल में टाइम वेस्ट लिखने का दूसरा रीज़न ये है, मुझे पता है कि हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है और इस पॉपुलेशन का हम लोग यूज़ और मिसयूज़ दोनों ही बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं, और जिनको ये स्किल आ गई वो तरक्की डेफिनेटली करेगा। और मुझे पता था कि आज की तारीख में अगर मैं टाइम वेस्ट लिखूंगा और नीचे सीक्रेट ऑफ सिनौली लिखा रहेगा तो ऑब्वियसली लोग उस वीडियो को ज़रूर चेक करेंगे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि लोग थंबनेल देखकर डिसलाइक कर देंगे, जबकि मैंने वीडियो में ऐसा कुछ कहा ही नहीं। अरे इनफैक्ट बोलने के लिए कुछ था ही नहीं यार। सीक्रेट ऑफ सिनौली एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री है जहाँ पर हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, और मुझे जितना खुशी हुई उस डॉक्यूमेंट्री को देखकर शायद ही आपको हुई होगी। और मैक्सिमम लोगों ने तो उस डॉक्यूमेंट्री को देखा ही नहीं जिसने उस वीडियो को डिसलाइक किया है। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता डिसलाइक से, लेकिन मुझे फ़र्क ये बात से पड़ता है कि मैं चाहता हूँ कि एक चेंज आए। हमारे इंडिया में बहुत सारी जो फेक न्यूज़ होती है, जो फेक वीडियोस होते हैं, वो वायरल इस वजह से होते हैं क्योंकि जो लोग वायरल कर रहे हैं उस वीडियो को, उनको पता ही नहीं कि भाई ये वीडियो सच है या झूठ है, बस उसको वायरल कर देते हैं और अननेसेसरी का हम लोग चूतियापा क्रिएट करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें बदलनी चाहिए। और जिसको ऐसा लगता है कि थंबनेल क्लिकबेट है, तो यार ये क्लिकबेट भी नहीं है। वो ऐसे कि अगर मैं थंबनेल में टाइम वेस्ट लिखता और वीडियो में मैं कुछ और चीज़ बताता, लेकिन वीडियो में मैंने सीधी सीधा ये बताया कि क्राइम सीन एक टाइम वेस्ट है और सीक्रेट ऑफ सिनौली अच्छा है, लेकिन अब मैक्सिमम ऑडियंस नहीं समझ पाए तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो बस इस वीडियो का मतलब यही है बनाने का कि यार किसी भी बुक को अपने कवर से जज मत करो, किसी के भी कपड़ों से लोगों को पहचानो मत, किसी के भी सरनेम से, किसी के भी नाम से लोगों को जज मत करो। पहले उस इंसान को देखो, वो क्या बोल रहा है वो सुनो, सब जानने के बाद अपना ओपिनियन शेयर करो। तो उससे हमारे इंडिया को, हमारे जो आसपास के लोग हैं उनको ही फ़ायदा होगा। समझ में आया? मेरे वीडियो को डिसलाइक किए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुल्ला बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पता है तुम लोगों को मेरे इस YouTube चैनल पे जो मैक्सिमम जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे पता है कि मैं सब्सक्राइबर्स के नाम भी जानता हूँ सबके, मैं चेक कर सकता हूँ एज अ क्रिएटर, हमारे पास वो चीज़ होती है जिससे हम लोग हर एक इंसान का नाम देख सकते हैं। मैक्सिमम 90% अलग कास्ट के हैं, और जो मेरे डेली जो मेरे व्यूवर्स हैं मैं तो उनके नाम भी जानता हूँ, सनी सूर्यवंशी, तुषार, रोहित, दिवेश, राम कृष्ण घोष, मैक्सिमम जो है जो बेचारे नॉन मुस्लिम्स है वो लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, कमेंट करते हैं, महेश चौहान, कितने हैं, कुमार गौड़ा, कितने लोग हैं, और उसमें कुछ मुस्लिम लोग भी है। तो यानी कि मुझे तो हमारे इंडिया में जितने भी लोग हैं वो लोग मुझे पसंद करते, प्यार करते। मैंने कभी रिलीजियस को लेकर कभी ऐसी टिप्पणी किया नहीं, ना ही कुछ ऐसी बोला। तो जो लोग ऐसी फालतू के कमेंट्स करते हैं, मैं इतना बोल दूं कि तुम लोग अपनी ही इंसल्ट कर रहे हो। और मैक्सिमम लोगों ने गाली देके डिलीट कर दिया अपने कमेंट्स। अबे बेवकूफ़, गाली अपने को भी बहुत आती है, ट्यूशंस लेने कभी आ जाना, एक ज़बरदस्त सिखाएंगे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं। उससे बस हम लोग अपनी मेंटेलिटी को पेश करते। तो वो सारी चीज़ें मत करो, एंजॉय करो, एंटरटेनमेंट के हिसाब से चीज़ों को लो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ गलत है तो पहले उस चीज़ को देखो, फिर उसके बाद अपना ओपिनियन शेयर करो। फालतू में ऐसी चीज़ें मत करो जिससे आप लोग खुद और अपने लोगों को बदनाम करो, ऐसा मत करो। क्योंकि वीडियोस बहुत सारे लोग देखते हैं और हंसते भी है, स्टूपिडिटी फील होती है लोगों को जब ऐसी चीज़ें होती है। तो
एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उस वीडियो को एटलीस्ट 100,000 लोग देखे तो शायद मुझे कुछ बेनिफिट तो मिले उस वीडियो को बनाने का, लेकिन साले 20,000 पे वो वीडियो स्टक हो गया है। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई जाओ उस वीडियो को देखो, लाइक करो, डिसलाइक करो, अपना ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करो, गाली दो, तारीफ करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तिल्देन दुआ में याद रखना, थोड़ी दुआ में याद मत रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तिल्देन बाय।